वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के बात के साथ की है। मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है, जिनके दम पर राज्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व सुधार हासिल कर पाया है। वही इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मितानिन बहनों को नवा सौगात देते हुए उन्हें हर महीने उनके प्रोत्साहन राशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की शुरुआत की। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नवा सौगात कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन था, जो पूरे प्रदेश में 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहने हैं जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, जो लोगों के बीच में लगातार जुड़ के काम करते रहती हैं। ऐसी बहनों को पहले राशि समय पर नहीं मिल पाती थी, कई कई महीने लग जाते थे, शिकायत मिली थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को हमने अवगत कराया था और बहुत जल्दी उनके नेतृत्व में विभाग एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी और किस किस मद में उनको राशि जाएगी उसकी भी जानकारी उनको मोबाइल में मिल जाएगा। इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो हमारी मितानिन दीदी बहने हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और उत्साह के साथ वो काम करने में सफल होंगी।